वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज ये जानेंगे कि पीओपी और जिप्सम फॉल सीलिंग के बारे में, जैसे इनका क्या मेजरमेंट रहता है, क्या कॉस्ट रहती है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, ये अपना पूरा पीओपी का शीट है और इसका जो लंबाई है वो 4x3 का रहता है। इसमें 3x3 का भी आता है और जैसे अपने को 4x3 का चाहिए तो 4x3 का भी आता है। दोस्तों, यदि आप कमेंट करते रहते हो कि अपना 4x3 का शीट नहीं आता है, तो जैसा कि आप सामने देख रहे हो, ये पूरा 4x3 का शीट है और इसमें 3x3 का भी आता है। आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे ये अपना 4 फीट हुआ और ये अपना 3 फीट हुआ, यहाँ पे जैसा सामने देख रहे हो। दोस्तों, ये जो पीओपी का सीट आता है, ये अपना अलग सीट आता है और ये वाइट कलर में सीट आता है। और जैसे अपने को इसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर का सीट आता है, उसमें राजस्थान का माल होता है और ये पूरा वाइट कलर का सीट है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये जो है प्रोडक्ट है पूरा वियतनाम का प्रोडक्ट है और ये अपना जो राजस्थान वाला जो पीओपी आता है, इससे ये कॉस्टली आता है और राजस्थान वाला आता है वो सस्ता आता है। जैसा कि सामने देख रहे हो, इनकी जो क्वालिटी रहती है वो काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पर देख रहे हो, ये वाइट कलर का है। ये यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा वाइट है और इनका मटेरियल काफ़ी अच्छा आता है। यहाँ पे देख रहे हो, ये पूरा वाइट आता है इस तरीके से। और अपना जो राजस्थान वाला जो पीओपी का शीट आता है, वो आता है अपना थोड़ा सा इसे ब्लैक कलर में आता है। और इनका जो पीछे की साइड में रफिंग का दिया रहता है, ये भी इनका काफ़ी ज़्यादा दिया रहता है, पकड़ काफ़ी अच्छी हो जाती है इनसे। यदि अपने को फ्लोर पर यदि ग्रेनाइट नीचे लगा हुआ है, इटालियन मार्बल लगा हुआ है, तो भी अपने इस तरीके से उसको नीचे की साइड में फ्लोर पर बिछवा देंगे तो काफ़ी अपना टाइल वगैरह या अपना फ्लोर हुआ तो अपना फ्लोर का नुकसान होने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता है। और इनकी जो थिकनेस आती है यहाँ से, ये 12 mm की आती है, जैसा कि सामने देख रहे हो। ये अपना जो पट्टी दिया रहता है अलग से, इसके ऊपर जैसे अपना जॉइंट फिक्स हो जाने के बाद में अपने को यहाँ पे पट्टी मारना रहता है। पट्टी मारने के बाद में अपना जो सांधा रहता है, इसके ऊपर पट्टी लग जाने के बाद में यहाँ सांधा कवर किया जाता है इस तरीके से। और इनके अंदर जो जाली दिया रहता है पीछे की साइड में, कुछ इस तरह का। दोस्तों, यदि इनकी कॉस्टिंग की यदि बात की जाए तो अपना 150 के अराउंड में रहता है एक सीट का। और इनका जो अलग से जो पीओपी का पाउडर आता है वो अलग आता है इनका, अपना जो नॉर्मल वाली सीट आती है 3x3 की, उससे अलग पाउडर आता है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे अपने को इस तरीके का थैली आता है, अपना 25 kg का थैली आता है। और यदि इनका कॉस्टिंग का यदि बात की जाए तो अपना 150 के अराउंड में रहता है। और अपना जो सीट रहता है ये भी 150 के अराउंड में रहता है एक नग के ऊपर। और जो अपना जो राजस्थान वाला जो माल रहता है पीओपी का, वो इससे सस्ता रहता है, जैसे अपना 80 के अराउंड में रहता है। और ये जो थैली रहता है वो भी इससे सस्ता रहता है। ये जो प्रोडक्ट है यहाँ से देख रहे हो, यहाँ पे वियतनाम का है, नियर जी मिन सिटी, WEMC, कुछ इस तरीके से अपना बना रहता है। दोस्तों, यदि आप घर के लिए यूज़ करना चाहते हो तो ये इस तरीके वाला जो सीट रहता है ये काफ़ी अच्छा रहता है, अपना जो नॉर्मल सीट रहता है उससे काफ़ी अच्छा रहता है, यूज़ करने में भी काफ़ी अच्छा रहता है। और इन जो सीटों की जो रहती है अपने जो नॉर्मल वाला जो सीट लगाते हैं उससे लाइफ ज़्यादा रहती है। और जैसे इनकी फिटिंग की यदि बात की जाए तो अपना जो नॉर्मल प्रोसेस रहता है, जो फिटिंगों का जो रेगुलर जो अपना पीओपी का फिटिंग होता है उसी प्रकार से फिटिंग किया जाता है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से किया जाता है। जैसे अपना यहाँ पे पूरा फ्रेम बन जाने के बाद में ऊपर की साइड में यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे फ्रेम बन गया तो अपना जो उसके हिसाब से अपने नीचे की साइड में अपना ये 12 mm का यूज़ कर देंगे। और इनका जो फ्रेमिंग वर्क है, अपना जो नॉर्मल जो सीट आता है उसी प्रकार से अपना फ्रेमिंग वर्क होता है। और जो अपना जिप्सम का सीट आता है इससे बड़ा आता है, सिंगल पीस आता है वो। और ये जो सिंगल पीस है 4x3 का है। सो थैंक यू गाइज, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।